एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर नाम से पता चल रहा है बिजनेस मीन्स क्या होता है, व्यापार। व्यापार से संबंधित जो भी पत्र है किसके अंदर आएंगे, बिजनेस लेटर्स के अंदर। बिजनेस लेटर्स को लिखने के तरीके से पहले आपको बता दूं कि ऐसे पत्र किसी एक व्यापारी या फर्म को लिखे जाते हैं। जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो सिंपल सी बात है, व्यापार जो जो व्यापार से संबंधित लेटर्स होते हैं किसको लिखे जाएंगे, व्यापार किसी एक व्यापारी या फिर फर्म को, ठीक है। अब ये लेटर भी चार प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बिजनेस लेटर है उनके अंदर भी फोर काइंड्स है, यानी चार प्रकार के जो पर्पस है उसके हिसाब से ही बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग काफी सारे के बिजनेस होते हैं, तो उसी के हिसाब से इनके जो प्रकार है लेटर्स के वो भी थोड़े अलग होंगे। जैसे कि फर्स्ट है मेकिंग इंक्वायरीज, यानी कि पूछताछ करना। अब मेकिंग इंक्वायरीज आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगी किसकी पूछताछ करना, लेकिन इसका हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अगला है रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स से सुधा शिकायत, यानी शिकायत दर्ज करवाना, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ आपको। देखो कि मान लो आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी किसी शॉप से, या फिर कोई कंपनी की खरीदी किसी भी, उसमें कोई भी मिस्टेक निकल गई, यानी कि वो ठीक प्रकार से नहीं चल रही, कुछ इधरों में वो खराब होने लग गई, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप उस शॉप को ना कंप्लेंट्स लिखोगे कि जो आपने वॉशिंग मशीन हमने खरीदी थी उसके अंदर ये जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, दर्ज जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स को लिखने के लिए एक लेटर लिखोगे, बिजनेस लेटर के अंदर आएगा। तो ये हो गए रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। नेक्स्ट है प्लेसिंग एंड ऑर्डर। ऑर्डर की और प्लेसिंग एंड ऑर्डर, जो कि आप शॉप्स का आप सारे थोक ऑर्डर करती है, उन ऑर्डर में कितना आ गया कितना नहीं आया, तो उसके हिसाब से जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं वो बिजनेस लेटर के अंदर आते हैं, प्लेसिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है डील से रिलेटेड। अब जो भी बिजनेस में डील्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी लेटर लिखे जाते हैं वो डील से रिलेटेड लेटर्स में आते हैं, यानी कि फोर काइंड्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे मेकिंग इंक्वायरीज। मेकिंग इंक्वायरीज आपको बड़ा ही इजी है, ये आपको एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम मेकिंग इंक्वायरीज को समझेंगे। क्वेश्चन है यू आर तानिया शर्मा, आप तानिया शर्मा है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फॉर अ पार्टी ऑफ योर स्कूल। आप रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए, एक पार्टी के संचालन के लिए, किसमें, आपकी स्कूल में। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ सुहाना रिजॉर्ट टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स। यानी कि राइट ए लेटर, एक लेटर लिखी किसको, सुहाना रिजॉर्ट के मैनेजर को, किसके लिए, टू मेक इंक्वायरी यानी कि जांच के लिए अबाउट द रेट्स, यानी कि जो हॉल है जो रिजॉर्ट का उसकी रेट कितनी है, टू यूज द हॉल फॉर द पार्टी, यानी कि हॉल को पार्टी के लिए यूज करने की उसकी रेट कितनी है, इसकी जांच के लिए एक क्या लिखना है अपन को, पत्र लिखना है। यू आर स्टडी इन एवीएम स्कूल दौसा, आप एवीएम स्कूल दौसा में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी बिजनेस लेटर है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कहीं पे भी जो सेंडर का एड्रेस है वो नहीं दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब लिखना किसको है, उसके बाद किसको लिखना है ये देखेंगे। किसको लिखना है, हमें साफ साफ शब्दों में दिया गया है टू द मैनेजर ऑफ सुहाना रिजॉर्ट, सुहाना रिजॉर्ट के मैनेजर को लिखना है, ठीक है। तो यह है द मैनेजर सुहाना रिजॉर्ट दौसा, ठीक है। अब हम आंसर रेडी करेंगे। अब यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया गया आपको, बता
सकता है पहले क्या एड्रेस नहीं दिया गया हो तो मन से कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है हमने एग्जामिनेशन हॉल दौसा, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे आपको, और जितने भी अभी तक लेटर्स पढ़ाए गए हैं उसके अंदर लाइन छोड़ी गई थी तो उस तरह यहाँ पे लाइन छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे डेट, डेट उस तरह से लिखा है 2 अगस्त 2020, ठीक है। फिर से ब्लैंक लाइन छोड़कर लिखेंगे जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस, क्या है द मैनेजर सुहाना रिजॉर्ट दौसा। फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया गया होता है, तो क्वेश्चन में से ये देखेंगे टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स टू यूज द हॉल, ये क्या है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दिया है इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस ऑफ द हॉल फॉर कंडक्टिंग ए पार्टी, यानी कि हॉल के चार्ज के बारे में जांच इसके लिए एक पार्टी के संचालन के लिए, इसका सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में से देखकर हमने लिख दिया, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। फिर नीचे संबोधन करेंगे सर, संबोधन किससे करेंगे, सर या मैडम से, ठीक है। अब है नीचे ऑल स्कूल विशेष टू अरेंज अ पार्टी इन योर रिजॉर्ट हॉल, जो हमारा स्कूल है वो विशेष चाहता है टू अरेंज ए पार्टी, पार्टी की व्यवस्था की जाए इन योर रिजॉर्ट हॉल, आपके जो रिजॉर्ट है उसके हॉल में एक पार्टी की व्यवस्था की जाए। यू विल हैव द पार्टी ऑन, सॉरी वी विल हैव द पार्टी ऑन 20 अगस्त 2020 फ्रॉम 4 PM to 8 PM, ठीक है। इनकी हम पार्टी कब रखेंगे, 20 अगस्त को शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, ये टाइमिंग दे दी हमने हमारे अकॉर्डिंग की पार्टी 20 अगस्त को होगी और ये टाइमिंग दे गई, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 200 students, यहाँ पे 200 तो स्टूडेंट्स होंगे एंड 30 टीचर्स ऑल टुगेदर फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए 200 तो विद्यार्थी और 30 टीचर्स होंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे जो संख्या क्यों बताई गई, ताकि वो हॉल को इसके अकॉर्डिंग देख सके, इतने लोग उस हॉल में आराम से आ सके, ठीक है। नीचे है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द नेसेसरी डिटेल्स लाइक चार्जेस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ सेंड मी ऑल नेसेसरी डिटेल्स, सभी आपके डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, लाइक जैसे कि चार्जेस, यानी कि हॉल का जो यूज करने पर खर्चा कितना आएगा, वो चार्जेस, फैसिलिटीज, सुविधाएं एंड एडवांस रिक्वायर्ड, कि एडवांस इतना चाहिए और कंफर्मेशन रिगार्डिंग द बुकिंग, यानी कि जो बुकिंग है उसकी कंफर्मेशन भी कंफर्म है कि नहीं है, क्या हम हॉल बुकिंग के लिए दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इसके बारे में डिटेल्स भेज दीजिए। नीचे है लुकिंग फॉर वर्ड टू अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड मैं देख रहा हूँ फॉर पॉजिटिव पर्पज, यानी कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स, सॉरी पॉजिटिव रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूँ कि भाई आप बुकिंग के लिए हॉल दे रहे हो। इस तरीके से लास्ट में थोड़ा हम्बली हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सारा शर्मा, एक पूरा जो बिजनेस लेटर है लेकिन इंक्वायरी का जो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो अदर जो भी एग्जांपल्स है उनको मेकिंग इंक्वायरीज के उनको सॉल्व कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग, बड़ा ही ईजी है और अपने आराम से इसको रेडी भी कर सकते हैं। थैंक यू।